चैप्टर टू पॉइंट वन पहला नंबर क्वेश्चन से पहले निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला देखते हैं ये पूरे टर्म को हम थीटा मान लेंगे तो लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू बराबर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से माइनस वन बाई टू बराबर उधर देखे, पहले हम टेंथ में पढ़ते थे इधर रहता प्लस रहता था तो बराबर चिन्ह के उधर जाता था तो माइनस होता था, अगर इधर माइनस रहता था तो बराबर चिन्ह के उधर जाता था तो प्लस होता था। अभी ये जो पावर माइनस वन है इसी को हम लोग इन्वर्स पढ़ते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो ये इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, यानी कि माइनस वन पावर है साइन पर उधर जाएगा तो ये माइनस वन पावर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ साइन हो जाएगा और पहले से मेरा थीटा था तो बन जाएगा माइनस वन बाई टू बराबर साइन थीटा। अब हमको देखना है माइनस वन बाई टू साइन में कितना का मान होता है, तो देखिए यहाँ मुख्य मान ज्ञात करना है और मुख्य मान जो होता है हमेशा रेडियन में होता है, तो देखिए वन बाई टू जो होता है साइन में 30 डिग्री का मान होता है, ये डिग्री में है लेकिन हमको यहाँ मुख्य मान जो है रेडियन में लिखना पड़ता है, तो इसलिए डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं, तो ये जीरो कैंसिल, 3 से 3 6 18 तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। तो देखिए अब तो यानी कि माइनस वन बाय टू देखना हमको साइन कितना होता है पाई बाय 6, तो यहाँ पाई बाय 6 लिख देंगे और पहले से मेरा माइनस लगा हुआ था तो माइनस बराबर साइन थीटा। अब देखिए ये साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आंसर माइनस पाई बाय 6। ठीक, देखिए अब ये जो मुख्य मान होता है मुख्य मान को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है हमेशा रेडियन में होता है, जैसे 30 डिग्री आएगा तो इसको रेडियन में लिखेंगे, तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं, तो 0 0 कैंसिल, 3 6 18 यानी कि 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे पाई बाय 6। अब देखिए 45 डिग्री जब आएगा तो 45 डिग्री है और मुख्य मान तो हमेशा रेडियन में होता है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे। अब काटते हैं 45 0 5 20 पाई बाय 4, फिर देखिए 60 डिग्री जैसे आएगा तो फिर देखें 60 डिग्री, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं, तो ये जीरो कैंसिल, 6 3 18 तो आ गया पाई बाय 3। आगे जैसे अब 90 डिग्री आ गया तो क्या करेंगे 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं, ये जीरो 9 कितना आ गया पाई बाय 2। ठीक, अब हिसाब पे चलते हैं दो नंबर क्वेश्चन, इसको एक तरीका से और देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को
देखिए साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू था। तो देखिए फॉर्मूला हम साथ साथ ही लिखते जाएंगे, साइन इनवर्स जब माइनस एक्स होता है तो फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कुछ नहीं होता है, ये माइनस जो है आगे में लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम वन बाई टू को एक्स मान लें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया, वन बाई टू को अगर हम एक्स मान लें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया, और जब साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस आगे चला जाता है, तो माइनस आगे चला गया साइन इनवर्स, और एक्स का वैल्यू कितना है वन अपॉन टू, तो माइनस साइन इनवर्स, अब वन बाई टू साइन में कितना का मान होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री को हम प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान में क्या लिखते हैं साइन 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय सिक्स, तो पाई बाय सिक्स। अब देखिए ये कैंसल, कैसे कैंसल आउट हो जाता है सो हम दिखाते हैं। जैसे 1/10 को लिखा हुआ है तो यहाँ अभी कुछ नहीं पावर, तो 10 पर प्लस 1 पावर है, जब इसको ऊपर भेजते हैं तो 10 पावर माइनस 1 हो जाता है। जैसे देखिए 1/10 पर पावर 3 है तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस 3 है, ऊपर जब ये जाता है तो 10 पावर क्या हो जाता है माइनस 3। तो उसी प्रकार जैसे अभी साइन इनवर्स है और इनटू साइन है, तो देखिए ये साइन इनवर्स जो था ये एक्चुअल में 1/sin था इनटू साइन, तब यहाँ पे कुछ नहीं पावर था, प्लस 1 था, ऊपर गया था तब माइनस 1 पावर बन गया था, ठीक है, इसलिए ये साइन कट जाता है, तो इसलिए हम साइन इनवर्स और साइन को कहते हैं कट गया। तो देखिए साइन इनवर्स साइन कट गया तो माइनस पाई बाय 6 आंसर हो गया। तो या तो हम ऊपर वाले विधि से या नीचे वाले विधि से बना सकते हैं। अब देखते हैं दो नंबर क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स रूट 3/2। देखिए दोनों विधि में से किसी एक विधि से बना सकते हैं, तो हम कोई भी विधि से बनाते हैं। तो देखिए पहला विधि में हम क्या बोले थे, इस पूरे टर्म को हमको थीटा मान लेना है, तो माना कि कॉस इनवर्स रूट 3/2 बराबर थीटा मान लेना है। अब देखिए यहाँ से रूट 3/2 बराबर ये कॉस इनवर्स है मतलब माइनस वन पावर है कॉस पर, उधर जाएगा तो माइनस वन पावर खत्म हो जाएगा, सिर्फ कॉस हो जाएगा और पहले से थीटा था तो कॉस थीटा। अब रूट थ्री बाई टू कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का, और 30 डिग्री जो होता है उसको मुख्य मान हमको ज्ञात करना है, मुख्य मान जो होता है हमेशा रेडियन में होता है, तो 30 डिग्री को रेडियन में जब बदलते हैं तो आ जाता है मेरा कितना पाई बाय 6, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस पाई बाय 6 बराबर कॉस थीटा। देखिए ये कॉस के आंसर थीटा बराबर कितना आंसर पाई बाय 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2, फिर कोसेक इनवर्स 2 है तो ये इस पूरे टर्म को हमको क्या मान लेना है थीटा मान लेना है। चल माना कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। अब यहां से जब 2 देखिए अभी माइनस वन पावर है कॉसेक पर, उधर जब भेज देंगे बराबर चिन्ह के उधर तो ये माइनस वन पावर खत्म हो जाएगा, सिर्फ कॉसेक हो जाएगा और पहले से थीटा था। फिर हमको देखना है 2 कितने का मान होता है कॉसेक में, तो 30 डिग्री का ही मान होता है, तो 30 डिग्री को अभी हम पढ़े हैं, 30 डिग्री को कितना लिखते हैं पाई बाई 6 बराबर कॉसेक थीटा। अब देखिए ये कॉसेक कैंसल,
थीटा बराबर कितना आंसर हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। क्वेश्चन नंबर चार कहता है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, इस पूरे टर्म को ही थीटा मान लेना है। तो लिखते हैं, माना कि टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर थीटा, ठीक है। अब देखिए तो माइनस रूट थ्री बराबर, यहाँ टेन पर पावर माइनस वन है जिसको हम इनवर्स पढ़ते हैं, उधर जाएगा तो माइनस वन पावर खत्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ टेन हो जाएगा, पहले से थीटा था। अब हम देखना है हमें जो रूट थ्री जो है टेन में कितने का मान होता है, तो तीस डिग्री का मान होता है, और तीस डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई सिक्स। तो टेन पाई बाई सिक्स लिख दिए, और यहाँ माइनस लगाया हुआ था तो माइनस लगा देंगे, बराबर टेन थीटा। अब देखिए ये टेन कैंसर, तो थीटा बराबर कितना आंसर, माइनस पाई बाय सिक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू का मुख्य मान ज्ञात करना। अब देखिए जब कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, देखिए तीन गो ये फॉर्मूला होता है। फिर देखिए कोस एक कोट इनवर्स भी जब माइनस एक्स होता है तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और तीसरा जब सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ओके, तो कोस इनवर्स अगर हम वन बाई टू को एक्स मान लें तो कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स पे हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सिर्फ एक्स यानी कि वन बाय टू। अब देखिए पाई माइनस कोस इनवर्स, अब वन बाय टू कोस में कितने का मान होता है, तो वन बाय टू जो होता है साठ डिग्री का मान होता है, और साठ डिग्री को हम क्या लिखते हैं, डिग्री को रेडियन चेंज करने के लिए पाई बटा एक्स अस्सी गुना करते हैं, यानी कि कोस पाई बाय थ्री लिखते हैं, तो कोस पाई बाय थ्री। अब देखिए पाई माइनस ये कैंसल आउट हो जाता है, तो बचा कितना, पाई बाय थ्री। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए एक और थ्री का एलसीएम थ्री, वन से थ्री में डिवाइड करेंगे तो आएगा थ्री, थ्री को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा थ्री पाई, माइनस है माइनस दे देंगे, थ्री से थ्री में डिवाइड करेंगे वन, वन को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई। अब थ्री पाई में से पाई घटाएंगे तो आएगा टू पाई बाय नीचे में थ्री, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं छह नंबर, टेन इनवर्स माइनस वन है, तो फिर देखिए यहां पे फिर फॉर्मूला देखिए, जब साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस आगे चला आता है, फिर टेन इनवर्स जब माइनस एक्स हो तो फार्मूला हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स जब माइनस एक्स हो तो फार्मूला हो जाता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तीन में होता है पाई माइनस, और तीन में जो होता है माइनस आगे चला आता है। तो देखिए अभी पहले हम थीटा मान करके बहुत ही सब सॉल्व किए हैं, आप डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए अब अगर वन को हम एक्स मान लें तो टेन इनवर्स माइनस एक्स, और जब टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है फॉर्मूला क्या होता है, वो माइनस आगे चला आता है, यानी कि माइनस टेन इनवर्स एक्स, और एक्स का मान है वन।
तो देखिए माइनस टेन इनवर्स अब वन कितना कॉमन होता है 10 में, तो 45 डिग्री का, और 45 को हम लिखते हैं पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4। अब देखिए माइनस ये कैंसल आउट, बचा पाई बाय 4, यानी कि माइनस पाई बाय 4 आंसर। अब देखते हैं 7 नंबर, सात नंबर है सेक इनवर्स 2/√3। देखिए प्लस में रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, चल तो सेक इनवर्स, अब देखिए 2/√3 सेक में कितने का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, तो सेक और 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग पाई बाय 6 लिखते हैं, तो सेक पाई बाय 6, ये कैंसल, कितना आंसर पाई बाय 6। देखते हैं 8 नंबर, कॉट इनवर्स √3 है, देखिए तो कॉट इनवर्स प्लस एक्स है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉट इनवर्स अब √3 कॉट में कितने का मान होता है, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है और 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाय 6, तो कोट पाई बाय 6, ये कैंसल आउट, कितना आंसर पाई बाय 6। अब 9 नंबर, है कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखिए फिर यहाँ माइनस आ गया, तो कॉस इनवर्स 1/√2 को एक्स मान लेते हैं, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स और एक्स का मान कितना है 1/√2, 1/√2, तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 कितने का मान होता है कॉस में, तो कॉस 45 का मान होता है, तो कॉस और 45 को हम रेडियन में लिखते हैं पाई बाय 4, तो पाई माइनस, देखिए ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल आउट हो जाता है, बचा पाई बाय 4। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, अब एलसीएम ले लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, अब 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, माइनस है माइनस, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई, अब 4 पाई में से 1 पाई, मतलब यहाँ 4 पाई है यहाँ 1 पाई है, 4 पाई में से 1 पाई जब घटा देंगे तो बचेगा 3π/4, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स -√2। अब देखिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो गया, अगर 1/√2 को अगर एक्स मान ले तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, और जब कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है तो ये माइनस आगे चलाता है, यानी कि फॉर्मूला हो जाता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस कोसेक इनवर्स और x का मान कितना √2, तो देखिए माइनस कोसेक इनवर्स और √2 कोस में कितने का मान होता है 45 का मान, और 45 को हम कितना लिखते हैं कोसेक पाई बाय 4, तो देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसल आउट, बचा माइनस और ये पाई बाय 4, यही क्या हो जाएगा आंसर।